हेलो फ्रेंड्स, ये है रेलवे जूनियर इंजीनियर का पार्ट 4 नंबर वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। जो अभी तक मैंने जीके के कई वीडियो अपलोड किए हैं, लगभग 7 से 8, उसमें लगभग 500 से 600 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और कोई भी एग्ज़ाम उससे पहले आपको लगभग 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन जीके के करके जाने हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जिन एग्ज़ाम में जीके पूछी जाती है। और ये जो वीडियो है, जनरल साइंस, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सबका मिक्स रहता है, लेकिन जो जनरल साइंस होते हैं उसका जो वेटेज होता है लगभग 70% रहता है। तो ये वीडियो रेलवे जूनियर इंजीनियर, एसएससी सीजीएल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और कोई भी अदर एग्ज़ाम जिसमें जीके पूछी जाती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले कोई भी जो इस वीडियो की जो पीडीएफ होती है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जिनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरी पिछली वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन कवर हो चुके थे, तो 202 हो चुके थे। 203 से आगे स्टार्ट करूँगा मैं, और जितना हो सके उतना स्पीड से स्टार्ट करेंगे जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पराशर्वे तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति है, इसकी इकाई है, आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट, 1 किलो चीनी का भार का होगा समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है, समुद्र तल पर सर्वाधिक। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा क्योंकि चंद्रमा है उसके ऊपर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कोई नो चेंज अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्यों? इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पहली बात क्लियर कर देता हूँ, मैं थोड़ी स्पीड से बोलूँगा जिससे लगभग 15 से 20 मिनट में आपके 100 से 200 क्वेश्चन कवर हों। लगभग 100 क्वेश्चन मैं कवर करूँगा 15 से 20 मिनट में। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिनना, जो अचानक से गिनना, उससे क्या होगा? तूफान आने का संकेत होता है ये। नेक्स्ट, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ता है, वायु का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, ठीक है? तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लेगा कुछ ज़्यादा समय। ठंडे से और अधिक ठंडा होता है तो उसमें हमेशा समय ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, उनका परिणामी क्या हो सकता है? शून्य कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल, ये पानी है, पानी का तल वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में, मीन्स ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च व निम्न करने के लिए होते हैं। पहली बात, ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पर, और ये जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आता है। नेक्स्ट, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ जो लिक्विड होता है उसका दाब भी बढ़ जाता है, तो मोटी इसलिए बनाई जाती है कि प्रेशर से ये टूट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता, विस्कोसिटी। नेक्स्ट, यौगिक है रेत। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण होता है, क्या होता है विरंजक चूर्ण? ये होता है यौगिक, क्योंकि कई सारे इसके तत्व होते हैं जिसे मिलकर ये बनता है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? ताप के बढ़ने पर यह बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के बाद भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जो जल का तापमान होता है, बर्फ के नीचे जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है,
इसलिए बर्फ नीचे की ताप नीचे जो होता है ना जल, वो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिससे जीव जंतु जिंदा रहते हैं, जमता नहीं है वो। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। नेक्स्ट, विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये कार्य करती है फिराडे के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट करता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम। ये जीवन को नष्ट कर सकता है लेकिन इसकी इतनी पावर नहीं होती कि भवनों को कोई क्षति पहुंचाए। नेक्स्ट, परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? जो परमाणु बम है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये करते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल, इसका क्या कार्य है? प्रकाश विद्युत सेल, इसका काम है जो प्रकाश होता है सूर्य से आने वाला उसको विद्युत में बदलता है, मीन्स सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। तो ये समांतर क्रम में क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जो भी जैसे पंखे हैं बल्ब है सबको समान वोल्टेज मिले, और पैरेलल वोल्ट जो क्रम होता है समांतर क्रम होता है इसमें वोल्टेज समान रहता है। नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज किसने की? यह की रोंजन ने। नेक्स्ट, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यह है रेडियम का। ये ब्लेंड ही नहीं है, इसको ब्लेंड ही बोलते हैं, पिच ब्लेंड। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनसे निकलने वाली किरणें हैं अल्फा किरण, बीटा किरण और ये गामा किरण। नेक्स्ट, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं ये हैं कौन? वॉन लीनियस। ये बोटनी का क्वेश्चन है, हर जाति के दो नाम दिए थे इसलिए द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन? वॉन लीनियस। अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl, ये क्या है? NH4Cl है एसिडिक। नेक्स्ट, शीतलीकरण में निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? शीतलीकरण में कूलिंग एजेंट होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय महिलाओं के जो उपजननीय मीन्स अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? यह होता है महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट, प्रोलोग भाषा विकसित हुई 1972 में। तो ये कुछ क्वेश्चन अब कंप्यूटर के आएंगे। बैकबोन संबंधित है, बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। नेक्स्ट, वेब अस्तित्व में आया, जो वेब होते हैं वह सबसे पहले अस्तित्व में आया अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? जो अक्रिय गैस होती है वह वातावरण में नहीं पाई जाती, वह है आर्गन। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? यह होती है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होने का मतलब ये इसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। निम्न में से कौन उपधातु है? तो ये जितने भी हैं ये सारी उपधातु होती है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत। ये धातु नहीं है, ये उपधातु है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक है? जो अमोनिया होता है वह होता है यौगिक। नेक्स्ट, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें कौन से तत्व होते हैं, कौन से कण होते हैं? उसके अंदर होते हैं प्रोटोन व न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर कौन सा तत्व चक्कर लगाता है? वह इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, साग व सब्जी का उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट, निम्न में से रासायनिक यौगिक है? अमोनिया अभी भी बताया, ये क्या है? एक यौगिक। नेक्स्ट, घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि वेट बढ़ेगा तो उसकी जो स्पीड है कुछ कम हो जाएगी। अब बल, बल क्या होता है? फॉर्मूला न्यूटन के नियम से F=ma, मीन्स द्रव्यमान व त्वरण,
इसका ये गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवंशिकी। अनुवंशिकी। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं की वस्तुओं जो शून्य रूप में स्वतंत्र जो होती है ना, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं का क्या होता है? त्वरण समान होता है। एक जी इक्वल टू एक फिक्स वैल्यू से ये गिरते हैं तो जो समान होता है इनका क्या होता है? समान रहता है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो लगभग आज मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा लगभग 100 क्वेश्चन कवर करने की। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है उन एग्जाम के लिए जिनमें जीके पूछी जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लर्निंग ऑफ यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।